डॉक्टर वाली, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या दिल्ली के लिए नाइट कर्फ्यू पर्याप्त है? नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अभी तो संख्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा खतरे का अंदेशा है और लोगों के मन में इसका खतरा आ नहीं रहा है, इसलिए लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। और बॉम्बे में तो अभी मैंने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बॉम्बे में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और दिल्ली में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी सोच का विषय है, बहुत बड़ी सोच का विषय है। और इसका जो ग्राफ है जिस तेजी से ऊपर जा रहा है वो बहुत बड़े खतरे को हमें बता रहा है। आप बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं, रोज टाइम दे रहे हैं कोरोना को, तो ये सही दे रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इस बात की वो जरूरत है ये पैदा करने की विचार को कि ये कोरोना हम कैसे इसको रोक सकते हैं। अभी अभी तो कब्जे में आ सकता है, अगर महाराष्ट्र वाली काउंट आ गई दिल्ली में तो बहुत गजब हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोरोना से बच के रहना है, अभी बचना है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो लोगों को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने नियर एंड डियर जिसको कहते हैं हम लोग, उसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी अपेक्षित हो उसके लिए तैयार रहना है।